हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 5 मुद्रा। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि मनी की हमें जरूरत क्यों होती है, क्या इसके इंपॉर्टेंट कार्य, उनको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो मुद्रा के कार्य है वो विनिमय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, जैसा हमें पता है कि वस्तु के खरीदने के लिए, वस्तुओं को बेचने के लिए, कोई सामान खरीदना है, कोई जमीन खरीदनी है, या आपको कार खरीदनी है, बस खरीदनी है, सबके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे का मतलब मुद्रा चाहिए, मनी चाहिए। तो मुद्रा का सबसे पहला कार्य होता है कि इसका प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता है। उसके बाद में जो इसका दूसरा कार्य है, मूल्य के संचय के लिए, यानी कि बचत करने के लिए भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज से पुराने टाइम में जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी कि जब लोगों के पास में पैसा नहीं था, उस टाइम पे जो संचय करने की प्रवृत्ति थी वो नहीं थी लोगों के पास में। क्यों? क्योंकि अब उस टाइम पे सिर्फ जो सामान था उसके प्रोडक्शन हुआ करता था। जैसे जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों को हम ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाएगी। पर लेकिन जब से मुद्रा आई है तो हम इसको संचय करके रख सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 100 साल तक अगर हम मुद्रा को संचय करके रख देंगे तब भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मूल्य के संचय के लिए, यानी कि बचत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मुद्रा का। नेक्स्ट, वस्तुओं का मूल्य लगाने के लिए किया जाता है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि जब वस्तुओं का प्रयोग खरीदने के लिए और बेचने के लिए किया जाता था, उस टाइम पे ये नहीं पता था कि एक वस्तु कितने रुपए की है। कभी कभी वस्तु का जो प्राइस था वो कम भी हो जाता था, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता। जैसे अगर किसी इंसान को ऊंट खरीदना है और उसके पास में अभी आलू है, तो कितने आलू से वो ऊंट खरीदेगा उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। कभी कभी 20 किलो आलू से ऊंट खरीद लिया, कभी 50 किलो चाहिए आलू उसके लिए ऊंट खरीदा है, तो वो एक प्रॉपर वैल्यू नहीं थी सामान की कि कितना सामान कितने रुपए का है। तो उसको लगाने के लिए, वस्तुओं का मूल्य लगाने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अब हमें पता है कि अगर एक गाड़ी है वो कितने रुपए की है, अगर एक ब्रेड का पैकेट है वो कितने रुपए का है, अगर एक बिस्किट है वो कितने रुपए का है। तो हमें वस्तुओं का जो मूल्य है वो एक्चुअल पता लग जाता है। किसकी मदद से? मुद्रा की मदद से। नेक्स्ट, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्थगित भुगतान का मतलब क्या होता है? कुछ पैसा ऐसा होता है जो हम आज के टाइम में ना देके आज से थोड़े टाइम बाद में दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है तो आप बोलोगे कि मैं आज पैसा नहीं दूंगा, आज से 2 साल बाद, 6 महीने बाद, कुछ एक टाइम पीरियड के बाद आप ये पैसा दोगे। तो स्थगित भुगतान हम इससे मुद्रा से आसानी से कर सकते हैं। जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तुओं का जब खरीदते थे तो उसी टाइम पे हमें कुछ ना कुछ उसको सामान देना पड़ता था, हमें स्थगित भुगतान नहीं करना पड़ता था उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन मुद्रा की उत्पत्ति होने से स्थगित भुगतान जो है वो आसानी से किया जा सकता है। हमें पता रहता है कि अगर हमें किसी से पैसा, हमें किसी को पैसा देना है उधार, तो हमें पता है कि एक टाइम पीरियड के बाद उससे कितना पैसा लेना है। हम आज के डेट में इंटरेस्ट भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो मुद्रा की मदद से हम ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं कि मुद्रा का प्रयोग क्यों किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।